भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी एक बार फिर से फॉर्म में नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि साल 2024 लोकसभा चुनावों में नकवी को बीजेपी कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों से शांत बैठे मुख्तार अब्बास नकवी अब हर एक मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रख रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को रामपुर पहुंचे नकवी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कहा कि जो लोग एजेंसियों, कोर्ट, सरकार और सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं वो खुद सवालों से घिरे हुए हैं। नकवी यही नहीं रुके, नकवी ने कहा करप्शन के क्रांतिकारियों, बेईमानी के बाहुबलियों का बुरा वक्त चल रहा है। वैसे इसी बीच सोशल मीडिया पर नकवी का एक और बयान बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो धर्म के नाम पर बवाल काटने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं। नकवी ने कहा धर्म को सुरक्षा कवच बनाकर आतंकवाद का कर्म करने वाले मुल्क, मजहब, मानवता के दुश्मन है। जरा सुनिए आप भी नकवी ने क्या कुछ कहा। यहाँ तक सवाल है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ संगठन है जो धर्म के को सुरक्षा कवच बना करके देश के सौहार्द के, देश के एकता के, देश के भाईचारे के ताने बाने को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए छिन्न भिन्न करने की, ध्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे संगठनों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हुई है और हो रही है और आगे भी होगी, क्योंकि एक बात समझना चाहिए, जो लोग धर्म को सुरक्षा कवच बना करके इस तरह के आतंकी अहंग और हिंसक गतिविधियां करते हैं, न वो मुल्क के हितैषी हैं, न मजहब के हितैषी हैं और न ही जो है वो किसी भी माहौल के हितैषी हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए और समाज को भी एकजुट होकर के ऐसे लोगों को आइसोलेट करना चाहिए, ध्वस्त करना चाहिए। आपको बता दें नकवी बीजेपी के लिए काफी अहम नेता माने जाते हैं। उन्होंने बीजेपी का साथ ऐसे वक्त में दिया जब पार्टी को किसी बड़े मुस्लिम चेहरे की जरूरत थी। सरकार की तरफ से लाई गई योजनाओं को मुसलमानों के साथ साथ हर आम जन तक पहुंचाने में नकवी ने खूब अहम जिम्मेदारी निभाई। ऐसे में अब जब साल 2024 लोकसभा चुनाव होने हैं तो मोदी सरकार एक बार फिर से उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी डाल सकती है। बहरहाल धर्म के नाम पर उत्पात मचाने वालों के खिलाफ जिस तरह से नकवी ने कड़े तेवर दिखाए उस पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। क्योंकि एक बात समझना चाहिए, जो लोग धर्म को सुरक्षा कवच बना करके इस तरह के आतंकी अहंग और हिंसक गतिविधियां करते हैं, न वो मुल्क के हितैषी हैं, न मजहब के हितैषी हैं और न ही जो है वो किसी भी माहौल के हितैषी हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए और समाज को भी एकजुट होकर के ऐसे लोगों को आइसोलेट करना चाहिए, ध्वस्त करना चाहिए।